हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज मैं आपको बताऊंगी कि बीएड में माइक्रो टीचिंग में लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। जैसे आप सब देख सकते हो, ये मेरी ज्योति कॉलेज की कॉपी है और मैं यहीं से बीएड कर रही हूँ। जैसे ये मेरा नाम लिखा हुआ है रिंकी, टीचिंग सब्जेक्ट यानी कि मेरा टीचिंग सब्जेक्ट SST है। आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट हो आप वो डालिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, पहला होता है हमारा प्रस्तावना कौशल। इसमें मैं पहले मतलब मैंने दिनांक डाली है यानी कि मैंने 2 तारीख को दूसरे महीने और 2023 में बनाया था। और विषय यानी कि मेरा सामाजिक विज्ञान है तो मैंने सामाजिक विज्ञान डाला। उपविषय यानी कि भूगोल। प्रकरण ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। फिर साइड में हम डालेंगे कक्षा, ये 6th क्लास का है। कलांश यानी कि जो भी कलांश है यानी कि पहला दूसरा तीसरा जो भी आपका उड़ाना। समय अवधि 5 से 7 मिनट होती है हमारी। फिर है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। इसमें हम लिखते हैं प्रस्तावना कौशल के विभिन्न घटकों का अभ्यास कर इस कौशल में दक्षता प्राप्त करना। फिर हम लिखेंगे पूर्व ज्ञान। तो शिक्षार्थी अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हम ऐसा बॉक्स बनाएंगे, उसमें हम लिखेंगे, पहले क्रम में लिखेंगे हम क्रम संख्या, फिर लिखेंगे छात्र अध्यापक और छात्र अध्यापिकाएं की क्रियाएं, फिर छात्र और छात्रा प्रतिक्रियाएं, फिर यहाँ लिखेंगे विधि प्रविधि। फिर इसमें क्या होता है, प्रस्तावना कौशल में हमें क्वेश्चन बनाने होते हैं यानी कि 4 क्वेश्चन हमें ऐसे बनाने होते हैं जिससे बच्चा जो होता है वो आसानी से उत्तर दे सके, और 5वां क्वेश्चन हमें ऐसे बनाना चाहिए जिससे बच्चे को उसके बारे में पता ही ना हो। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, हम लोग किस ग्रह पर रहते हैं? तो बच्चे बोलेंगे हम लोग पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं। मेरा दूसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो बच्चे बोलेंगे पृथ्वी की आकृति गोल है। फिर तीसरा, ग्लोब पर कौन कौन सी रेखाएं होती हैं? इसका उत्तर है ग्लोब पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं होती हैं। फिर हमारा 5वां क्वेश्चन है, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में आप और क्या जानते हैं? तो ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न है। फिर उसके बाद हम नीचे लिखेंगे उद्देश्य कथन। इसमें शिक्षार्थी यानी कि मेरा गलत हो गया तो इसमें विद्यार्थी आएगा। तो विद्यार्थियों, आज हम अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आप सबको समझ में आ गया होगा कि जो प्रस्तावना कौशल है वो कैसे बनाना है। ओके, थैंक यू।